बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। दोपहर 3 बजे के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। इस बैठक में आर्थिक प्रस्ताव भी पारित होगा। हालांकि बैठक में अभी तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर अभी चर्चा नहीं हुई है। वहीं जेपी नड्डा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर बूथ पर काम करने का निर्देश दिया है और कहा है कि हम सभी चुनाव जीतने हैं। दिल्ली में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एलजी के मुद्दे को लेकर आज फिर से हंगामा कर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकती है। दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्र के पहले दिन क्या कुछ हुआ आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो 3 दिवसीय सत्र का जो पहला दिन था वो भारी हंगामे की भेंट चढ़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी के खिलाफ सदन के अंदर नारेबाजी की। वहीं सदन में हो रहे नारेबाजी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भड़क गए और मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने फिनलैंड शिक्षकों को भेजे जाने का मुद्दा उठाया जिस फाइल को एलजी ने रोका हुआ है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले को उठाया है। सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के बीच तकरार हुई है। एलजी के अधिकारों के मुद्दे पर सदन से सड़क पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी की कार्यप्रणाली को लेकर पहले सदन में नारेबाजी की और जब विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई फिर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल की आवास तक मार्च किया। मार्च में खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल हुए। ये बेहद दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के सारे मंत्रीगण और दिल्ली के सारे विधायकगण यहाँ पे आए हैं, सड़क पे खड़े हैं, उनके घर के सामने खड़े हैं और एलजी साहब ने हम सब लोगों को मिलने के लिए मना कर दिया। हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह से एलजी साहब ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान किया है। ये अच्छी बात नहीं है। इस किस्म की मानसिकता भी ठीक नहीं है कि कोई अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि लोगों का अपमान करना शुरू करे। तो बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि दिल्ली के एलजी ने सारी कैबिनेट से और सारे विधायकों से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद की आगे की क्या वो होगी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। नहीं हुई सरकार दिल्ली के लोगों की ये चाहती है कि हमारे टीचर्स, सरकारी स्कूल के टीचर्स फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए जाएं। हम 1000 टीचर्स से ज़्यादा को पहले भी भेज चुके हैं ट्रेनिंग के लिए। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि भाई देश में ही कहीं ट्रेनिंग करा लो, देख लो कहीं देश में ट्रेनिंग करा लो इनकी। अरे जब देश दुनिया में सबसे आगे है एजुकेशन में, अगर चुनी हुई सरकार वहाँ अपने टीचर्स को भेजना चाहती है तो एलजी साहब को उस पर आपत्ति क्यों है? क्यों उसमें टांग अड़ाना चाह रहे हैं? उनको क्या दिक्कत है गरीब बच्चों की अच्छी एजुकेशन मिलने से? संविधान में उनके पास कोई पावर नहीं है। संविधान की व्याख्या जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने की उसमें साफ साफ लिख के दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार निर्णय लेगी, एलजी निर्णय नहीं लेंगे। देखिए हमें बहुत दुख है इस बात का कि एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और दिल्ली के विधायकों को मिलने को तैयार नहीं है। गैर कानूनी हर काम वो करने को तैयार हैं लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलने को तैयार नहीं है। हम ये मानते हैं कि एलजी साहब को संविधान का पालन करना होगा। चुनी हुई सरकार का सम्मान करें आप। जिस तरह की मनमर्जी कर रहे हैं वो राजशाही में होता है, लोकशाही में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंडिपेंडेंट पावर एलजी साहब को दी नहीं जिसके जरिए वो इंटरवीन कर सके इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामकाज में। एलजी साहब चिट्ठी लिख देते हैं, फिनलैंड जाने से टीचर्स को रोक देते हैं, कहते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दिखाओ। आप बताइए, अगर मैं कहूं कि बच्चों का भविष्य बचाना चाहता हूं मैं, उसकी बच्चों के भविष्य की क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? मैं महिलाओं की सुरक्षा चाहता हूं, इसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? उनके मंत्री विदेश जाते हैं, इसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है? तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के
कामकाज में सुबह दोपहर शाम जो अड़ंगा लगाने की बजाय अगर सरकार को काम करने दें और ऐसी राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करें जो उनके पास है ही नहीं, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। बड़ा दुख की बात क्या है कि एलजी साहब संवैधानिक प्रावधान है उसको मानने से मना कर रहे हैं, मेरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उसको मानने से मना कर रहे हैं। ये देश चलता है संविधान से, ये देश चलता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो जब संविधान में लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा आपके आपका हक किसी और सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, तो आप किस प्रकार से रोक सकते हैं? ये लिखा है कि जी द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, साफ साफ लिखा है। तो फिर आप होते कौन फाइल रोकने वाले? लिखा है कि देर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। जब ये लिखा है साफ साफ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप मानेंगे नहीं? आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस प्रकार से कहते हैं कि मैं देश के संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता, तो किसको मानते हैं? ये देश तो बाबा साहब संविधान चलेगा। और लगातार चुनी हुई सरकार के कामों को रोकना, लगातार टीचर्स को फिनलैंड की ट्रेनिंग पे जाने से रोकना, जो शिक्षक दिल्ली के बच्चों का, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, जो गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लगातार ही उसको रोकने का काम किया जा रहा है, ये बड़ा दुखद है। लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके पास ये पावर नहीं है, क्लियर डायरेक्शन है संविधान पीठ ने जो 2018 में अपना ऑर्डर दिया है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास किसी भी फाइल को रोकने का अधिकार नहीं है, और लेकिन वो लगातार फाइलों को रोक रहे हैं, लगातार इंटरव्यू करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद है वो देश के लोकतंत्र के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान चलता है और डेमोक्रेसी चलता है। तो अगर इस डेमोक्रेसी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहेंगे, वो एक ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे अंग्रेजों के जमाने में वायसराय करते थे, अगर वो वायसराय की तरह बर्ताव करेंगे तो ये बहुत दुखद है। आम आदमी पार्टी ने जहां एलजी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है, तो बीजेपी ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। वो कार्रवाई कहां है? वो तो दिल्ली विधानसभा में, ये विंटर सेशन होना चाहिए था, विंटर सेशन बुलाया नहीं गया, क्वेश्चन ओवर नहीं हो रहा है। चर्चा करने की अनुमति अरविंद केजरीवाल की सरकार भाजपा के विधायकों को नहीं दे रही है, और दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर WHO ने घोषित कर दिया। लाखों लोग दिल्ली में आज प्रदूषण की वजह से बीमार हो गए हैं, कैंसर हो रहा है, फेफड़े खराब हो गए हैं, लोगों के गले खराब हो गए हैं, लोगों को बुखार हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के लिए एक भी बस नहीं खरीद पाया। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की सड़कों के ऊपर धूल है, और सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन बढ़ता है वह धूल से और पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से। अगर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक होता तो आज प्रदूषण की इतनी बुरी स्थिति दिल्ली में नहीं होती। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में पूरी तरह से विफल रही है, और दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में बना दिया है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अनेकों वर्षों से केजरीवाल से जिसे बार बार आग्रह करने पर भी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो रहा। दिल्ली में जीने के लिए, स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि सभी को सिलेंडर और ऑक्सीजन मुफ्त प्रदान किए जाएं, जिससे कि लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। दिल्ली में 24 जनवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। बीजेपी ने एलजी से चुनाव के दौरान सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदौड़ी ने एलजी से उचित सुविधा मुहैया करवाने की अपील की है। 6 जनवरी की तस्वीरें अगर किसी को भी याद होंगी, एमसीडी सदन के बीच पार्षदों के बीच में मारपीट, हाथापाई, कुर्सियां तक चली थी और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। अब उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने नई तारीख दी है, 24 जनवरी के दिन ये इलेक्शन होगा। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा रामवीर सिंह भदौड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये नई तारीख के दिन पुरानी तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, इस बात की आशंका है कि संभावना? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली नगर निगम का हाउस 24 जनवरी को बुलाया जाए, इस तरह का आग्रह दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के पार्षदों को
और विधायकों को ये निर्देश देंगे कि इससे पहले दिल्ली नगर निगम के हाउस में जो शर्मनाक घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से ये मांग की थी कि जो भी विधायक और आम आदमी पार्टी के पार्षद इस हिंसक कार्रवाई में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको एक साल के लिए दिल्ली नगर निगम के सदन से निष्कासित कर देना चाहिए और एक सीधा सीधा संदेश जाना चाहिए कि किसी भी कीमत पर सदन में इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से आग्रह करना चाहता हूं कि हाउस में सिक्योरिटी की ठीक ठाक व्यवस्था हो। मैं उम्मीद करता हूं कि 24 तारीख को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव हो जाएगा, आम आदमी पार्टी के पार्षदों से, विधायकों से और उनकी लीडरशिप से मैं लीडर ऑपोजिशन के नाते आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम के सदन को वो दिल्ली विधानसभा का सदन ना बनाए। कि अगर सत्या शर्मा जो कि पीठासीन अधिकारी हैं वो मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले कराएंगी तो लगता नहीं है कि डेडलॉक तो वैसे का वैसा ही हो जाएगा या फिर ऐसी कुछ व्यवस्था दी जाए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो? देखिए, पीठासीन अधिकारी जो है उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वे पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाना चाहती हैं या जो मनोनीत पार्षद हैं, इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। भाई, आप चुने हुए पार्षदों को पहले वो दिला दीजिए या आप मनोनीत पार्षदों को वो दिला दीजिए, वो तो सभी की होगी, वो तो दिलवानी है ना, किसी की पहले होगी किसी की बाद में होगी। तो आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हाउस के अंदर ये दंगा फसाद करते हैं और कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए, इसलिए उनको ये इस तरह की ड्रामेबाजी से अब बचना चाहिए। सवाल विधुड़ी जी, स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष तो खैर बाद में चुना जाएगा लेकिन मेयर चुनाव के लिए बीजेपी क्या आश्वस्त है अभी भी? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 105 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में पार्षद चुनकर आए हैं, अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनके पास मेजोरिटी है, चुनाव करवाएं और मेजोरिटी है अपना मेयर बनाएं। लेकिन यदि चुनाव हो रहा है तो ये अधिकार तो हमारे पास भी है ना, हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे उसमें हमारी जीत हो चाहे हमारी हार हो, उससे तो नहीं रोका जा सकता। रामवीर सिंह विधुड़ी हैं जो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं वो हिंसा की मंशा से 24 तारीख हाउस की मीटिंग के अंदर ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो। साथ ही साथ उपराज्यपाल से भी ये मांग की गई है कि उस दौरान सदन के अंदर उचित सिक्योरिटी का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद प्रमाशर के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा स्विट्जरलैंड के दावोस के दौरे पर हैं, जहां पंजाब में निवेश को लेकर दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राघव चड्ढा ने इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में लिखा है, दावोस से हेलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी के सदस्य के रूप में मैं आने वाले एक रोमांचक सप्ताह की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसके अलावा मैं दिल्ली की विकास गाथा को साझा कर रहे और निवेश के लिए पंजाब की क्षमता को उजागर करने के लिए दुनिया भर के नेताओं के साथ बातचीत करूंगा। दिल्ली के सदर बाजार के दुकानदारों को फिर से सेलिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले 25 दुकानों को 10 महीने पुराने ऑर्डर और पुराने उपायुक्त के आदेश के आधार पर सील किया गया था, लेकिन ये नोटिस मौजूदा डीसी ने जारी किए हैं। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने इसकी निंदा करते उपराज्यपाल से अनुरोध किया है
या अफसरों को मनमानी करने से रोका जाए। दिल्ली में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के पूछताछ में उन्होंने बताया है कि हैदर के संपर्क में नौशाद था। नौशाद जिसकी गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ हुई है। उसने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो हैदर के संपर्क में था। हैदर कौन है? हैदर ISI का भारत में एक खास मोहरा है और हैदर के इशारे पर ही ये पूरी प्लानिंग की गई थी। और जो हथियार उसके पास से मिले हैं, बताया जा रहा है कि वो हथियार सीमा पार से नौशाद के पास पहुंचा था। नौशाद को 6 लाख रुपए मिले थे। ये पैसा काम के पहले दिया गया था और कुछ पैसे उसको काम के बाद मिलने थे और ये 6 लाख रुपए उसे हवाला के जरिए मिला था और ये पैसा बिहार और कतर से उसके पास पहुंचा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने 2 अंतर्राज्यीय अवैध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। दोनों सिंडिकेट के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 18 पिस्टल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार मंगवाते थे, फिर दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कंजावला के मामले में आरोपी आशुतोष की जमानत के मामले में रोहिणी कोर्ट ने मामले में आरोपी आशुतोष की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। रोहिणी कोर्ट आज जमानत की अर्जी पर सुनवाई करेगा। दिल पुलिस ने आरोपी की जमानत का विरोध किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में एक गोदाम से जींस की चोरी का मामला सामने आया है। गोदाम का ताला तोड़कर लाखों रुपए की जींस की चोरी हुई है। पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना जाफराबाद अंतर्गत ये मौजूद इलाका है जहां पर देर रात कुछ चोर आते हैं और ये जींस की पैंट का गोदाम है। यहां पे जींस की पैंटें रखी जाती है। इस गोदाम के अंदर आप देख सकते हैं अंदर जो है जींस की पैंटें रखी हुई है। जो पैंट देख सकते हैं दोनों तरफ पूरा गोदाम बना हुआ है। जो इसमें CCTV कैमरे में वो चोर जो है वो कैद हुए चोरी करते हुए। यहाँ से कई पैंटे जो है करीब 1000 के करीब पैंटे बताई जा रही है वो लेकर यहाँ से बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। मेरे साथ पीड़ित है जो इस गोदाम के मालिक है। सर नाम बता दीजिएगा अपना एक बार। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है ये सुबह के टाइम में आते हैं तकरीबन 4:45 पर जो मैंने फुटेज निकाली है उसमें ये निकाल कर माल ले जाते हैं और बैटरी रक्षा जो ई रक्षा होती है उसमें लोड करके ले जाते हैं। 4 लोग। अच्छा बात की जाए यहाँ पे जो पेट्रोलिंग रहती है पुलिस की पेट्रोलिंग तो हमको कभी देखते नहीं पेट्रोलिंग और रहती भी होगी तो हमारे तो सामने कभी रहती नहीं हमको देखते भी पेट्रोलिंग। दिल्ली पुलिस मौके पे है और इस CCTV को अपने कब्जे में ले लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली। हाँ जी, मेरा बराबर जस्ट बराबर वाला मकान मेरा ही है तो सुबह 5 बजे करीब हम उठ जाते हैं वैसे तो, लेकिन देखा तो दोनों तरफ से कुंदी लगी थी क्योंकि एल टाइप का मकान है कॉर्नर का, तो इधर से भी कुंदी लगी थी उधर से भी कुंदी लगी थी। तो फिर ये जितने भी आसपास के मकान थे सबकी कुंडी लगी। चोरी के इलाके में तो वैसे हम कोशिश करते हैं कि ये वारदात ना हो, लेकिन ये वारदात हमारे यहाँ तो पहली बार हुई। ये वारदात हुई है पहली बार वारदात हुई। दिल्ली NCR में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में आज भी ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। RKपुरम इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठंड में इजाफा हो रहा है लेकिन कोहरे से जरूर राहत मिली हुई है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने तापमान को और गिरा दिया है। हालांकि बर्फबारी की वजह से सैलानियों में खुशी है। सफेद चादर में लिपटी घाटी की वादियां
पहाड़ों पर चांदी जैसी चमक। पेड़ों पर बनाया बर्फ ने आशियाना। कुदरत ने किया बर्फ से श्रृंगार। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों को और भी खूबसूरत बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इन वादियों का बर्फ से श्रृंगार कर दिया हो। जी न्यूज की टीम इन्हीं खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए सोनमर्ग के गगनगीर पहुंची, जहां जमीन से पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। ठंड इतनी ज्यादा यहां पर रहती है कि यहां तापमान -15 से -20 तक चला जाता है। उसका अंदाजा आप इन पेड़ों से लगा सकते हैं। ये जो देवदार के पेड़ हैं, इन पर जो बर्फ गिरी है वो एकदम से जमी हुई है। हालांकि खिली धूप है, लेकिन तब भी ये बर्फ जो है पिघल नहीं पा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड यहाँ पर रहती है और बर्फीली हवाएं चलती है। भारी बर्फबारी की वजह से एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को घाटी में एक बार फिर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगातार पिछले 5 दिनों से हिमस्खलन हो रहे हैं। 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है और कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके जो है सेफर जोन्स में लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले दिन यानी 18 तारीख से फिर से बर्फबारी का ही अंदेशा किया गया है, और उसमें बताया जा रहा है कि और ज़्यादा जो है बर्फ़ होने वाली है, और इसलिए फिलहाल जो है हिमस्खलन का खतरा और जो कड़ाके की ठंड है वो इस जगह पर लगातार बनी रहेगी, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। बर्फबारी से घाटी का पारा लगातार लुढ़क रहा है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों का पारा 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम का पारा -10 डिग्री तक लुढ़क गया है। इसी तरह गुलमर्ग का पारा भी -10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सोनमर्ग का तापमान -16 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट द्रास में देखने को मिली, जहाँ पारा -26 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। मैं अगर तापमान की बात करूं तो तापमान जो कश्मीर का रहा है वो हर जगह 0 से जो है नीचे रहा है। श्रीनगर में -2 के आसपास तापमान रहा, लेकिन पहलगाम और गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो वहाँ -10 रिकॉर्ड किया गया। अगर सोनमर्ग जहां पर हम हैं वहाँ -16 के करीब जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ठंडी जगह जो है वो द्रास रही है, जहाँ -26 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और लुढ़केगा और ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। उधर हिमाचल के चंबा में हुई बर्फबारियों ने सैलानियों की मौज ला दी है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानियों की जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब तरफ बर्फ जमी हुई है, बहुत मजा आ रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बस यही मजा लेने के लिए जो हम अहमदाबाद से यहाँ तक आए थे, तो वी एंजॉयड अ लॉट, हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हुई। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लुढ़कते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुमान ने लोगों के इस डर को और भी बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।